लाहौर एयरबेस पर योम दिफा के हवाले से तकरीब, जंगी जहाज और दीगर असलहा नुमाइश के लिए पेश। शहीद को खैराज अकीदत भी पेश किया गया। मजीद बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सरफराज खान। सरफराज बताइएगा। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर एयर बेस पर, जहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से तकरीब का अहतमाम किया गया है। और तकरीब में जैसे मेरा कैमरामैन फरीद मलिक आपको दिखा सके कि मेरी तकरीब में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे F-16 और पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जो है वो नुमाइश की जा रही है, जंगी जहाज़ों की, हेलीकॉप्टर्स की, और एयरफोर्स की जानिब से यहाँ पे जो है वो तकरीब का अहतमाम किया गया है। तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीर आला पंजाब जो चीफ गेस्ट होंगे, उसके साथ साथ वज़ीर बल्दियात अलीम खान होंगे, और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि एयरफोर्स के जो एयर बेस कमांडर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, एयरफोर्स के तमाम अफसरान यहाँ पे मौजूद हैं, और थोड़ी देर बाद जो है वो तकरीब का आगाज़ कर दिया जाएगा। ये नुमाइश जो है वो आम शहरियों के लिए खोली गई है, जहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स के जंगी जहाज़, हेलीकॉप्टर और दीगर जो जंगी असला है उसको नुमाइश के लिए रखा गया है। जबकि दूसरी जानिब जहाँ पे मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे भी मौजूद हैं जो मिल्ली नगमे पेश करेंगे, टैबल्यू पेश करेंगे, और आज 6 सितंबर के शहदा को सलामी पेश की जा रही है। लाहौर में 3 से 4 जगह पे पाक फौज की जानिब से, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से, पाकिस्तान नेवी की जानिब से तकरीबात जो हैं वो शुरू होने जा रही हैं। जी